नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको PTSD यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर एक ऐसा मानसिक विकार है जो कुछ लोगों में विकसित होता है जिन्होंने कोई घटना का अनुभव किया हो या फिर देखा हो। दोस्तों, बहुत से लोगों ने अपने जीवन में आघात का अनुभव किया होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो इन आघातों से उबर कर बाहर को आ जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो इन आघातों से बाहर उबर कर नहीं आ पाते हैं और जिस कारण उनमें तनाव, चिड़चिड़ापन, डर, भय और पैनिक अटैक जैसे समस्या उत्पन्न हो जाती है। दोस्तों, इसी मानसिक विकार को ही पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हम करेंगे मूर्धासन योग। इसे करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे ही दम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं, फिर आपने अपने दोनों पैरों में ऐसे 3 से 4 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, या फिर आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना स्पेस रख सकते हैं उतना स्पेस आपने रख लेना है। और फिर आपने अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपने लंबी गहरी सांस अंदर भरनी होती है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए और अपने दोनों हाथों को पीछे से ऐसे उठा लीजिए। इस स्थिति में आपके दोनों घुटने बिल्कुल सीधे रहे। दोस्तों, इस अभ्यास को करते समय हमारे सिर में ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा रहता है और यह हमारे पूरे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इसे करने से लो ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है और जो लोग पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जैसी समस्या से पीड़ित है उनके लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले आप 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे, फिर आप 2 मिनट और फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं उतनी देर इसे होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस मूर्धासन योग को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। अब हम करेंगे अर्ध शीर्षासना। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही वज्रासना पर बैठ जाना है, फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करते हुए ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। फिर आपने अपने सिर के इस वाले हिस्से को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए धीरे धीरे अपने घुटनों को सीधा करते हुए ऐसे अपने पैर के पंजों को ऐसे जमीन पर रख लीजिए, अपनी एड़ियों को ऐसे जमीन पर रख लीजिए। 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग। ऐसे ही इसे पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं इसे होल्ड करके रखें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हेडस्टैंड को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो हेडस्टैंड को प्रैक्टिस कीजिए। यह भी मानसिक समस्याओं को या फिर हम कह सकते हैं कि मेंटल हेल्थ से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। दोस्तों, PTSD की समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ स्ट्रेचिंग अभ्यासों का भी सहारा ले सकते हैं। इनमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे कुर्मासन योग। इसे करने के लिए भी आपने ऐसे ही सबसे पहले दंडासना पर बैठ जाना है, फिर आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार आप जितना फैला सकते हैं उतना आपने फैला लेना है। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के नीचे से ऐसे आपने डाल लेते हैं। लंबी गहरी सांस अंदर भरना होती है और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी छोटी को अपनी छाती को ऐसे जमीन पर स्पर्श करने की कोशिश कीजिए। इस स्थिति में अपने दोनों पैरों के पंजों को ऐसे आगे की तरफ आपने तानना है। कुर्मासन योग, इसे करने से हमारे शरीर ऊर्जान्वित बनता है और यह अभ्यास हमारे शरीर को नियमित क्रिया के लिए अधिक स्टेमिना भी प्रदान करता है। इस अभ्यास को करने से मानसिक तनाव, चिंता, अवसाद, डर, पैनिक अटैक जैसी सभी समस्याएं दूर होती हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 30 सेकंड फिर 2 मिनट फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं इसे होल्ड करके रखें।
फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों जब आप इस अभ्यास को करते हो तो आप खुद ही फील करोगे कि आपके शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और आपका शरीर काम कूलिंग और रिलैक्सिंग स्टेज में आ रहा है। दोस्तों इसके अलावा PTSD की समस्या को दूर करने के लिए आप सूर्य नमस्कार के स्टेप्स को मध्यम गति के साथ नियमित 8 से 10 राउंड प्रैक्टिस कीजिए। इसके अलावा आप कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी नित्य प्रति 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करें।